नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, चलिए कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। कहा जा रहा है दो स्टेटमेंट है कि कौन सा सही है ना, सही गलत वाला ध्यान से देख लिया करिए। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है, तो आईपीएल 2022 में इसमें सबसे ज़्यादा दर्शक मौजूद थे, इसके लिए जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनको दर्ज किया गया है। और अभी रिसेंटली जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने कृषि निवेश पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है। तो दोनों न्यूज़ इसमें ठीक है। यहाँ पे डेट ध्यान रखिएगा 5 दिसंबर 2022, तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। इसको यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ज़्यादातर इसमें जो है करंट अफेयर्स से संबंधित हैं और इसमें आंसर्स के ठीक हैं। आप डिटेल में भी इसको पढ़िएगा, यहाँ पे इसको पॉज कर करके हम देख लीजिएगा, हम आपको आंसर्स बता दे रहे हैं इन कुछ जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इससे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे नाटेसा के संबंध में देखिए सही कथन चुनना है। तो राजस्थान की प्रतिहार शैली की वास्तुकला से बनी एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है। तो ये जो है यहाँ राजस्थान से संबंधित नाटेसा की जो मूर्ति है भगवान शिव की, इसमें आकृति जो है दिखाई गई है लगभग 4 फीट की। तो ये जो है करीब काफ़ी वर्षों पहले स्मगल करके ले गए, यूके ले जाई गई थी, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे इसको भारत में लाया गया था, तो उससे संबंधित ये न्यूज़ थी। तो पहला कथन हमारा ठीक है कि जो है राजस्थान की प्रतिहार शैली की वास्तुकला से संबंधित ये मूर्ति है। और प्रतिहार शैली जो है 800 से 900 ईस्वी के आसपास गुर्जर प्रतिहार वंश जो राजस्थान के रीजन में देखते हैं, ठीक है, इनसे संबंधित है। तो ये भी ठीक है, वास्तुकला की जो प्रतिहार शैली है इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे तो जो ये आपका ऐसी मूर्तियाँ मिलती हैं नागर स्टाइल ऑफ जो टेंपल आर्किटेक्चर है वो इनका मुख्य रूप से एक विशेषता है। और ये टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है और इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो जो सिग्निफिकेंट रूलर्स हैं इस टाइम पीरियड के, जैसे नागभट्ट सेकेंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, है ना, ये सब इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो उनसे संबंधित है ये वास्तुकला, दोनों कथन इसमें हमारे जो है वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ स्थापत्य और हैं और उनके निर्माण के संबंध में हमको कालानुक्रम जो है वो लगाना है, ठीक है। तो अगर जैसे देखिए यहाँ पे अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर क्रोनोलॉजी याद है ना जो शासक हैं तो बहुत इजी हो जाता है ये, उसी तरीके से हम इसको देखेंगे। कुतुब मीनार जो आप देखते हैं स्लेव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले चूंकि दिल्ली सल्तनत में जो क्रम है स्लेव डायनेस्टी का ही है, ठीक है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके बाद गुलाम वंश के बाद देखेंगे ये आपके आते हैं कौन, खिलजी वंश,
फिर तुगलक वंश, तो तुगलकाबाद का किला जो है ये इसके बाद निर्माण होता है। तो 3-1, फिर उसके बाद यहाँ पे लोधी आएंगे और फतेहपुर सीकरी आप जानते हैं ये अकबर से संबंधित है, तो ये तो मुगलों में आ गया ना, तो ये सबसे लास्ट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 3-1-2-4 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके संबंधित जो वर्ष हैं एक बार आप इसको देख लीजिए। इसमें देखिए दो कथन फिर से है, कौन सा सही है। सड़क ए आजम इल्तुतमिश से संबंधित है, ये कथन गलत हो जाएगा। सड़क ए आजम जो आप जिसको जीटी रोड आज की डेट में जानते हैं, ठीक है, इसका निर्माण काल का जो समय है ये शेरशाह सूरी से है, ठीक है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। टोकन करेंसी की बात हमने पहले भी की हुई है, टोकन करेंसी यानी प्रतीक मुद्रा जो है सबसे पहले स्टार्ट की, हालांकि ये फेल हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, तो ये वाला ठीक है। इसमें देखिए मध्यकालीन भारतीय राज्य तथा उनके वर्तमान क्षेत्र के संदर्भ में कौन से युग सही हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे मध्यकाल यानी कि जो मुस्लिम शासन काल रहा। चंपक जो राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत दिया हुआ है, सेंट्रल इंडिया नहीं है, जो वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश में जो चंबा का रीजन देखते हैं उसको कहते थे चंपक, ठीक है। दुर्गर जो है ये जम्मू के रीजन को कहते थे, ये वाला ठीक है। कुलूत जो है मालाबार नहीं है ना, कुलूत जो है ये कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में जो है, ठीक है, इससे संबंधित थी, तो सिर्फ दूसरा जो है इसमें यह ठीक होगा। इसमें देखिए बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप दो स्टेटमेंट जो है इसमें से क्या क्या हुए। तो बाबर का अराइवल आप देखते हैं जैसे पानीपत का युद्ध फर्स्ट वाला 1526 से, आप इसके देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इसके टाइम पीरियड के बारे में। तो कहा जा रहा है कि स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, तो जो भी देखेंगे मॉस्क वगैरह उसके ऊपर आप गुंबद की आकृति है ना, और ऐसे कुछ जो आकृति बनती थी मेहराब वगैरह की, तो ये सब जो है आप देखेंगे तुर्क इन्वेजन जब होते हैं मोहम्मद गोरी वगैरह के टाइम पे, उसके बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये तो बहुत बाबर बहुत बाद के टाइम पीरियड का है, तो ये गलत हो जाएगा। दिल्ली का जो पुराना किला है उसके भीतर बनी किला ए कोहना मस्जिद जो है इसका निर्माण बाबर ने किया, ये भी गलत है। ये देखेंगे अराउंड 1541 के टाइम पीरियड में शेरशाह सूरी जो है ना इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया, तो इसमें से कोई भी कथन जो है वो ठीक नहीं है। बाबर के बारे में जैसे और भी फैक्ट आप जान सकते हैं कि जैसे गन पाउडर जो है ये इसने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये भी देखेंगे सल्तनत टाइम पीरियड में कुछ टैक्सेस के रूप हैं और उसको जो है क्या कहते थे, किसका रूप होता था, उसके संबंध में सही युग्म हमको देखना है। तो गंज जो है ना ये अनाज मंडी जो है उसको संबंधित करते हुए कहा जाता था उसको। खुम्स जो है ये जो लूट होती थी, लूट के जो कह लीजिए लूट में जो चीज़ें प्राप्त की गई उस पर लगाया हुआ जो टैक्स है उसको कहते थे। और विलायत जो है एक सूफी का जो आध्यात्मिक क्षेत्र होता था, ठीक है, उसको संदर्भित करने के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता था। तो सल्तनतकालीन ये तीनों टर्म जो हमारे ठीक हैं, है ना, तो इसमें जो है डी को चुन लीजिए। इसमें है कि तेरा ताली एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो किस राज्य में किया जाता है ये बताना है। तो एक प्रकार का महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तेरा ताली नृत्य, और ग्राउंड पे एक तरीके से बैठ के इसमें जो है इसको परफॉर्म करते हैं राजस्थान में, ठीक है, तो ये ट्राइब का नाम थी इसमें ध्यान रखने का, कमार ट्राइब। आगे देखें राज्य का महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, एलिमेंट। तो जैसे फंडामेंटल राइट में आप आर्टिकल 12 पढ़िएगा तो वहाँ पे स्टेट की परिभाषा जो है ये बताई गई भारत में, ठीक है। तो अब स्टेट के संदर्भ में हम देखें कोई भी देश है ना जिसको आप स्टेट के रूप में संदर्भित करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका होता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ठीक है। अब जैसे इसी से कंपेयर कर सकते हैं 1947 से पहले इंडिया में ध्वज भी होता था, राजधानी भी थी, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते थे, लेकिन हम क्या नहीं थे जो है एक स्टेट पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, ठीक है, हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे, ठीक। तो ऐसा कोई देश जो किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस से आज़ाद हो, अपने आप में अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो, आप उसको सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो जब तक वो हमारे पास होगी ये सबसे हमारा एक इंपॉर्टेंट तत्व होगा स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प जो है इसको चुनेंगे, और आर्टिकल जो 12 है इसके बारे में भी देखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, ठीक है, इनकी कितने प्रकार की जो है मतलब इनके टाइप्स बताए गए हैं। तो प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए, इसमें देखें अगर हम न्याय की बात करें तो जब प्रीएम्बल में आप सेकेंड पैरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आता है ना जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तीन प्रकार का जस्टिस हमको चाहिए, तो आंसर बस आपका ये देखिए मिल गया है ना, बी वाला। स्वतंत्रता की बात करें यानी कि किसकी, लिबर्टी की, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप,
ये पांच प्रकार की बताई जाती है। इक्वालिटी की बात करें है ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये दो प्रकार की होती है। और फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये बताया गया है, तो एक प्रकार का ये भी हो गया। तो ये कुछ क्रम है, तो बी को चुनेंगे। एक बार आप जो प्रीएम्बल का वर्डिंग फिर से देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया, तो आपको पता है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे जो प्रावधान हैं अन्य देशों के संविधान से जो है प्रभावित होकर के उनको अपनाया है। तो उसी क्रम में देखेंगे फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, जिसको भारत में आप यूनियन ऑफ स्टेट्स कह के जानते हैं, ठीक है, जो हमारे पार्ट वन में आप जो वर्डिंग्स हैं उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट चूंकि ड्राइव किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, सी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसको ही कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, तो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये जो है राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे ये ना देकर के क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखना है कि ये जो है एक दूसरे को संबंधित करते हैं। ठीक, आगे देखें, राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पहली बात ये क्लियर कर लीजिए यहाँ से। ठीक, अब इन जो पदों पर नियुक्ति होती है उसकी सिफारिश जो है एक समिति के आधार पर की जाती है, तो उस समिति में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो स्टेट के रेफरेंस में आप देखेंगे तो इस कमेटी में मुख्यमंत्री होते हैं उस राज्य के, जो कि उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की बात हो रही वो होते हैं, होम मिनिस्टर उस राज्य के जो होते हैं वो होते हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे समझ लें उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में, तो आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो अपॉइंट करेंगे इन पदों पे लोगों को, और जो समिति सिफारिश करेगी उसमें जो है योगी आदित्यनाथ जी होंगे, ठीक है, और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सतीश महाराज जी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव होंगे, और होम मिनिस्टर कौन है जरा कॉमेंट करके आप बताइए तो। ठीक है, ये लोग शामिल होते हैं इसमें। इसको देखिए, यहाँ पे एक कथन है और उसका एक कारण है। ठीक है, तो कथन कह रहा है भारत का संविधान देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण कह रहा है कि इसको एक दत्तक संविधान यानी कि अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि हमने बहुत सारे जो प्रावधान हैं अन्य देशों से लिए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ लैंड जो कि हमारे देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है यानी कि उनके बारे में प्रावधान करता है। तो दोनों कथन तो वैसे ठीक है, परंतु ये जो कारण है ना, कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत किया था, उसने संविधान सभा द्वारा है उसको स्वीकार किया गया और उसका संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो कि आगे चल करके आपका जो वर्तमान प्रीएम्बल है उद्देश्य का है ना, इसी का रूप बनती है। ठीक है, और उद्देश्य का जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो बिल्कुल ठीक है, जो हमारा क्रक्स कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसमें मेंशन है। ठीक है, तो दोनों कथन हमारे ठीक है। आप जरा हमको ये बताइए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस डेट को प्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कब उसको अडॉप्ट किया गया था, सब पहले बताया गया है आपको, कमेंट करके बताइए जरा। आगे देखें, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो आपको पता है कुल जो है स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389। ठीक है, तो उसमें से देखेंगे जो स्टेट्स से चुने जाने थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का जो कह लीजिए अलॉटेड सीट्स थी 296। ठीक है, तो उसमें जो उस समय के प्रोविंसेस थे तो उसमें देखेंगे तो जैसे वर्तमान में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो डिलिमिटेशन कमीशन निर्धारित करता है उसके रेफरेंस में उनको चुना जाता है, तो कुछ वैसे ही एलोकेशन किया गया था कि उस समय 1,000,000 की जो पॉपुलेशन है उस पर एक व्यक्ति जो है चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना था। ठीक है, तो इसमें सी विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया तो उसमें स्वीकार लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें प्रावधान किए गए थे है ना, जो काफ़ी बड़ा एक लंबा डॉक्यूमेंट था, हमने पहले भी चर्चा की हुई है, तो इसमें देश के लिए एक लिखित संविधान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक, बाकी ये तीन जो हैं वो ठीक हैं। इसमें चार इवेंट हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है,
तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, ठीक है, ये सबसे पहला हो जाएगा। उसके बाद ये जो तीन इवेंट हैं ये 1931 में तीनों हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी क्लोजली हैं, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये डेट है 5 मार्च 1931, ठीक है, तो ये पहले हो जाएगा। उसके बाद सुखदेव को फांसी दी जाती है, ठीक है, ये जो डेट थी 24 मार्च 1931, ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा। और उसके बाद ही 26 मार्च से 1931 में ही कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। तो यहाँ पे बी विकल्प जो है ये बन जाएगा उत्तर। इसमें देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में बात की जा रही है, तो खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट किया जो है ये अली ब्रदर्स के नाम से फेमस थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, एक और चार जो है ये हो जाएगा इसमें, बाकी शरीयतुल्ला और अबुल कलाम आज़ाद ये इसमें ऑड हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ करने वालों में थे, हसरत मोहानी, ठीक है, और जैसे ये हाकिम अजमल खान, ठीक है, ये सब जो है इससे संबंधित रहे। इसमें है कि महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके किसने संबोधित किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन ऑफ जब इंडिया होता है उस टाइम पीरियड में यहाँ पे दंगे वगैरह जो हो रहे थे तो कुछ उसके संबंध में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, वहाँ पे संदर्भित किया था वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के। अब इसमें देखें गलत युग्म को चुनना है, तो ब्रिटिशर्स के कुछ जो एक्ट लाए गए और उसमें क्या प्रावधान था, उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 गवर्नमेंट अपॉइंटीज होते थे, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 का, उसमें यह प्रावधान किया गया था, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा हमारा, बाकी तीन ठीक हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ना, शांग जनचेंग, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस का टूर्नामेंट है इसमें ये पहले ऐसे चाइनीज प्लेयर बने हैं जिन्होंने मैच जीता है, ठीक है, 17 वर्षीय प्लेयर हैं, नाम ध्यान रखिएगा इनका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है तो 2023 की कहाँ पे हुई है, तो ये जो है स्विट्जरलैंड में हुई थी, दावोस में, बी विकल्प को इसमें चुनेंगे करेक्ट। इसमें देखें अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, तो जो लोग देख नहीं सकते है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट जिनको है उनके संबंध में एक अभियान चलाया गया राइट टू साइट, है ना, उसके अंतर्गत यहाँ पे वर्णांधता जो है इसकी कह लीजिए जो रेशियो है उसको कम करने की दिशा में ये जो पॉलिसी लागू की गई है, ये पहला ऐसा राज्य बना है देश का, राजस्थान। इसमें देखिए हाल ही में क्लेयर लोम्बार्डी लोम्बार्डेली, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे जो भी है, यहाँ पे देख लीजिए, इनको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ठीक है, इनके मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है, तो OECD का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये बताना है, तो ये है पेरिस में फ्रांस, ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा, और जो है US से संबंधित है ये, इनको ध्यान रखिएगा। इसमें देखें अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू अर्लिन अंस, है ना, ये कोई शहर है, तो यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किस देश की हार बॉनी गैब्रियल ने जीता है, तो आपको याद होगा 2021 में हरनाज संधू ने जो है इंडिया की जीता था, तो इन्होंने ही, अब इसमें होता है कि जो नेक्स्ट विनर होता है उसको ताज पहनाती है, तो बॉनी गैब्रियल को पहनाया था, और ये कहाँ की हैं, US की हैं, और आयोजन भी जो है US में ही हुआ था, इसको भी ध्यान रखिए, ठीक, तो डी विकल्प को चुनेंगे। G20 ग्रुप के संबंध में एक और मीटिंग हुई थी, भविष्य के शहरों का वित्त पोषण समावेशी सुदृढ़ और टिकाऊ इसका थीम है, ठीक, तो ये कहाँ आयोजित की गई, तो ये वाली बैठक हुई है महाराष्ट्र पुणे में, ठीक, इसके बारे में भी थोड़ा देखिएगा, जितनी मीटिंग्स होती चल रही हैं इसके बारे में देखते चलिए, कलेक्टिवली जो है एंड में हम लोग पढ़ लेंगे इसको, ठीक। इसमें यह ध्यान रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें है दिसंबर 2022 का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस देश की खिलाड़ी एशले गार्डनर ने जीता है, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की, मेंस जो प्लेयर ऑफ द मंथ थे दिसंबर के लिए ये इंग्लैंड के थे, ठीक है, इनका नाम था हैरी ब्रुक, ठीक। इसमें है 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप का जो टाइटल है फुटबॉल का जो ये आयोजन होता है, तो बार्सिलोना FC की जो टीम है उसने किस टीम को हरा करके जीता है, तो रियल मैड्रिड को हराया था इन्होंने।
इसमें है भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने की, तो देखेंगे ये अमृतलाल विठल दास ठक्कर, इनको आप ठक्कर बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था 1911 में। निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल को पेश किया था, तो प्राइवेट मेंबर भी लेकर के आए थे, जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके संबंध में काफ़ी जो है इनका उस समय जोर रहा था, इस संबंध में मार्च 1911 में ये बिल इन्होंने जो है लाया था। डी विकल्प को चुनेंगे और यहाँ पे इसको समाप्त करें वीडियो को। जो क्वेश्चंस दिखाए गए थे आपको कुछ डिस्प्ले में, प्लीज़ उनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।